आज हम बात करेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। और उससे भी पहले हम बात करेंगे कि जो ये एक्सरसाइज है वो किस बेस पर तैयार की गई है। तो आपने प्रमेय 6.2, 6.1, 6.1 थ्योरम जो है आपने की है लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में सॉरी, तो उसी के बेस पे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो आपको उस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। उस थ्योरम को बनाया था जो थेल्स नाम का एक वैज्ञानिक है, तो उसने, तो इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, या फिर इसका जो सेकंड नेम है वो ये भी हो सकता है कि बेसिक प्रोपोर्शनेटी, मतलब कि इक्वलिटी बोल दीजिए या समान भागों में बोल दीजिए थ्योरम। ठीक है, तो एक तो थेल्स थ्योरम बोलेंगे इसको, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनेलिटी थ्योरम भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज को करेंगे। इसके अंदर क्या था कि एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, उस ट्रायंगल का कुछ भी नाम रख लीजिए आप, फिर उसके ट्रायंगल के बीचों बीच से कोई लाइन काटती है, तो वो इस ट्रायंगल को क्या करती है, टू रेशोज में इक्वल में डिवाइड कर देती है। तो उस थ्योरम में हमने ये प्रूव कर लिया है, सिद्ध कर लिया कि ये डिवाइड में ये और ये पार्ट डिवाइड में ये पार्ट इक्वल होता है। मतलब ऐसे कि ए डी डिवाइड में डी बी या बी डी, जो भी आप बोलेंगे, और ए ई डिवाइड में ई सी, ये इक्वल हमने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। पर ये इक्वल कब होता है, जब ये लाइन और इस लाइन के पैरलर हो, मतलब हमें गिवन में डी ई पैरलर बी सी होना ज़रूरी है। अगर ये इसके पैरलर होगा तभी ये डिवाइड में ये और ये डिवाइड में ये हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अब आपको क्वेश्चन में अगर ये प्रूव करना आ जाए तो इसका मतलब ये आपको गिवन होगा, और अगर ये प्रूव करना आ जाए तो ये गिवन होगा। तो इस तरह आपको ध्यान रखना भाई क्या प्रूव करना है क्या गिवन है, और उसी के बेस पे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2, थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, इसमें वो बोल रहा है कि डी ई और बी सी तो क्या है भाई, ये रहा देखो, डी ई और बी सी तो क्या है, पैरलर है फर्स्ट और सेकंड दोनों केसेस में। फिर वो कहता है कि इसमें ए डी है जो 1.5 है, और डी बी 3 है, ए ई 1 है, और ई सी पता नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें ई सी ही फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें ए डी फाइंड करना है। अगर हमें एक पार्ट समझ आ जाए तो सेकंड हम अपने आप भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, ठीक है ना, यूज करनी पड़ेगी बेस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे, क्योंकि हमें गिवन में क्या दे दिया उसने पहले से ही, गिवन में उसने क्या बोला है भाई, इसने गिवन में हमें पहले से ही डी ई पैरलर बी सी, तो ये जो डबल डंडे लगाते हैं पैरलर का सिंबल होता है, समांतर जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो पैरलर है। तो जब ये पैरलर है तो इस वजह से क्या होगा, इस ट्रायंगल का नाम क्या ए बी सी है ना, तो ए डी डिवाइड में डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड में ई सी, ठीक है ना। किसकी वजह से हुआ ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से हुआ, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आपको लिखना होगा ज़रूर, इसकी वजह से हुआ है ये, ठीक है। अब उसके बाद जो आपको गिवन है वो लिखते चल जाओ, जैसे ए डी है, ए डी 1.5 है तो ए डी की यहाँ पे 1.5 पुट कर देंगे, डी बी 3 है तो 3 पुट कर देंगे, ए ई 1 है तो 1 रख देंगे, और ई सी का आपको नहीं पता ऐसा का ऐसा, ई सी ही फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई किया आपने और 3 1 3 किया, और ये आपस में मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ई सी की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड में 1.5, या फिर आप 3 डिवाइड में 1.5 की जगह 15 डिवाइड में 10 को ऊपर लिख लेंगे, और ये हो जाएगा इस तरह से 2, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ई सी की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है, सेंटीमीटर में है तो 2 सेंटीमीटर आ गई है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है
ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब इसमें कहना चाहता है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ई और एफ टू पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है फोर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ पे अलग अलग केसेस उसके बनाए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ई एफ और क्यू आर पैरलर भी है। तो पैरलर है, मैंने आपको बताया था ना जो थेल्स थ्योरम है हमारी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो अगर पैरलर होंगे तो उनको आपस में डिवाइड हम इक्वल में लिख सकते करके। तो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल बनाना होगा, उसके बेस पे फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन बना को इसको ट्रायंगल को बनाते हैं। ट्रायंगल उसने बोला है एक ऐसा बनाइए जिसका नाम है पी क्यू आर, और उसके पैरलर एक लाइन इस तरह से बनानी है जिसका नाम ई और एफ है, ठीक है। तो हमें ये तो पता ही है कि गिवन में तो ई एफ पैरलर है क्यू आर के, ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर। और जो हमें प्रूव करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, प्रूव तो यही करना है भाई ये थ्योरम मतलब प्रूव हो पाती है या नहीं हो पाती। तो कैसे, तो ये हमने पहले तो एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है, नाम रखा इसका जो इसमें बोल रखा है पी क्यू आर, ठीक है, और ई एफ इसके पॉइंट्स हैं, ई और एफ क्या हैं पॉइंट्स हैं। हमें चेक क्या करके बताना है इसके अंदर कि ये बताना ये इसके पैरलर है, चेक यही करना है। तो हमें चेक यही करना है ये लाइन इसके पैरलर है, बट ये लाइन इसके पैरलर कब होगी, जब ये डिवाइड में ये और ये डिवाइड में ये इक्वल होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम जो हमारी कहती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पी क्यू पी ई जो फर्स्ट केस है वो लिख लो पहले, पी ई हमें 3.9 दिया गया है, और जी ई क्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और 3.6 हमें दिया गया है पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर हमें दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसी के बेस पे हम पहले तो क्या करते हैं, ये वाली साइड निकाल लेते हैं फर्स्ट साइड, ठीक है। ये है पी ई डिवाइड में ई क्यू, तो पी ई है 3.9 और डिवाइड में ई क्यू है 3, ठीक है, इतना ही रहने दो, या इसको कैंसिल करके जो आता है वो निकाल लीजिए। 13 डिवाइड में 10 आ गया एक साइड, ठीक है। अब सेकंड साइड निकालते हैं हम, इधर से देखो ट्रायंगल में पी एफ डिवाइड में एफ आर, तो यहाँ लिखेंगे पी एफ डिवाइड में एफ आर, पी एफ आपके पास है 3.6 और एफ आर है 2.4, तो इनका पॉइंट 10 लगेगा, इसका पॉइंट के नाम पर 10 यहाँ लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल इसको भी करो तो आएगा 3 डिवाइड में 2 आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिवाइड में 2 आ रहा है, यहाँ पे 13 डिवाइड में 10 आ रहा है, एक जैसा नहीं है। तो आप यहाँ इसको लिख के बताएंगे कि पी ई डिवाइड में ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ डिवाइड में एफ आर। अब जो नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब ये पैरलर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर नो में रहेगा, भाई ये पैरलर का केस नहीं है। इसी तरह इसमें करना है और इसी तरह इसमें करना है, तो तीनों पार्ट में आप इसे ट्राई करेंगे और इसको आराम से कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन को भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसमें वो कहता है इन फिगर 6.18, तो ये आपके 6.18 फिगर, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी और डी, एक चतुर्भुज टाइप बना हुआ है ये, और बीच में से एक लाइन भी जा रही है और जो दो भागों में इसको काट भी रही है। कहता है एल एम पैरलर टू सी बी, तो इसमें जो एल एम है वो इसके सी बी के पैरलर है, और जो एल एन है वो बी और सी और डी के पैरलर है, ये उसने गिवन में दे दिया है। और प्रूव दैट, प्रूव दैट में ए एम डिवाइड में ए एम डिवाइड में ए बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड में ए डी उसमें दिया गया है। अब बात है कि जो प्रूव से पहले वो तो सारा गिवन में लिख देना आपको, और जो प्रूव में वो प्रूव में लिख देना है, और आप फिगर है जो वो फिगर बना के क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे। बट इन क्वेश्चन में जो थ्योरम टाइप के हैं जिसे प्रूव वगैरह करना है, तो आप गिवन वाली लाइन भी, प्रूव दैट वाली भी, अगर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन बनानी पड़ी तो वो भी, और प्रूफ फिर, तो 4 पॉइंट्स बन जाते हैं, वो लिखने आपको अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं, तभी क्वेश्चन ठीक और ज़्यादा नंबर, पूरे नंबर मिलते हैं उसके, ठीक है। तो बाई चांस अगर आपका प्रूफ में गलत भी है, तब भी कुछ ना कुछ नंबर वो आपको देगा। तो सबसे पहले तो आप ये फिगर के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन,
यहाँ लिखा आपने गिवन, और गिवन में आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर ये 3 चल रहा है, ठीक है। गिवन में क्या लिख लेंगे आप, ये LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, ये तो गिवन में आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रूव दैट, प्रूव दैट में क्या आएगा, वो दे रखा उसने AM डिवाइड में AB इज इक्वल टू AN डिवाइड में AD, ठीक है। ये तो है आपका गिवन और ये है आपका प्रूव, ठीक है। और ये आप क्या करती है, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हमें मैथ में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए बी सी और डी एम एन और यहाँ पे है एल, ठीक है। सारा कुछ हमने बना लिया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अब आप लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ जो आपको करना है, ये इसके इक्वल, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ट्रायंगल है ना, ये चतुर्भुज बना हुआ है, इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लो, जैसे कि ए बी सी एक ट्रायंगल ऊपर हो गया, ए डी सी एक ट्रायंगल नीचे हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में जो भी आपकी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वो अप्लाई कर देंगे, या थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं। और वो अप्लाई करने से पहले आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम बोल दीजिए या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, ये ज़रूर लिखना है। और वी ऑब्टेन, फिर हमें क्या मिलेगा देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और इसमें हमें पहले से उसने बोल भी रखा है कि जो एल एम है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर ये पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये डिवाइड में ये पार्ट, ये डिवाइड में ये पार्ट, लिख सकते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आ जाएगा ए एम डिवाइड में ए एम बी और जी ए एल डिवाइड में एल सी। फर्स्ट इक्वेशन बना के आप इसको स्टॉप करें, फिर सेकंड में भी ऐसे इन ट्रायंगल नीचे से चलेंगे ए डी सी, ए डी सी इसके अंदर क्या है एल एन पैरलर सी डी, ये गिवन में है भाई, गिवन में देखो यहाँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें भी ऐसे होगा, ठीक है, टू पार्ट में हो गई ना डिवाइड, ये तो यहाँ आ जाएगा ए एन डिवाइड में एन डी और जी ए एल डिवाइड में एल सी, ए एल डिवाइड में एल सी, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नोट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, वी ऑब्टेन या वी गेट, जो भी आपको ठीक लगता हो। तो इक्वेशन वन से क्या, ये और ये देखो कैंसिल हो गया ना, तो ये इक्वल ही आ जाएगा। तो ए एम डिवाइड में एम बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड में एन डी, यहाँ तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, बट आंसर मैच नहीं हो रहा है, ए एम और ए एन ऊपर ऊपर की तो मैच हो रहे हैं, बट ए डिवाइड में ए बी और ए डी है, तो डिवाइड में ए बी और ए डी नहीं है। तो इस कंडीशन से कैसे बचा जाएगा भाई, तो इससे बचने का तरीका क्या होगा कि आपको सबसे पहले करना होगा इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, इस रकम को उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल के बाद ये आपकी स्टेटमेंट ऐसे बन जाएगी, एम बी ऊपर आ जाएगा और ए एम नीचे और एन डी ऊपर और ए एन नीचे। उसके बाद बोथ साइड वन आप ऐड करेंगे। अब आप बोलेंगे जी ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस हाफ़ लाइन को फुल में बदलना है, इस हाफ़ को फुल में बदलना है के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो एलसीएम लेंगे आप इसका इधर से भी उधर से भी, तो एम बी प्लस ए एम ऊपर आ गया, नीचे भी ए एम रहेगा, इसी तरह यहाँ पर भी एन डी प्लस ए एन ऊपर आ गया और नीचे ए एन रहेगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ए एम और एम बी, एम बी और ए एम, देखो यहाँ पर आ करती मैं ए एम और एम बी पूरा ए बी बन सकता है, इसी तरह ए एन और एन डी पूरा ए डी बन सकता है। तो इसलिए इनको हमने क्या कर दिया, अब इसको तो हमने पूरा ए बी बना दिया, ठीक है, और इसको हमने पूरा ए डी बना दिया, बना दिया। फिर दोबारा से रेसिप्रोकल करेंगे तो उससे क्या होगा, ए एम ऊपर आ जाएगा और
ए बी नीचे और ए एन ऊपर और ए डी नीचे आ जाएगा। ऐसा करने से हमारा जो आंसर है वो मैच हो जाएगा, ठीक है, हैंस ट्रू। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको करना था, जो कि आपको समझ आ गया होगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। बट क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमें 1 भी ऐड करना पड़ा, वो इस वजह से हमें पूरी लाइन को बनाना था। बट इनमें 3, 4, 5 और 6 में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट सिंपली है, बस दो इक्वेशन आ जाएंगे, उनको समीकरण एक दो लेने पर जो भी आएगा कट के, वो वैल्यू हमारा ये जो प्रूफ में दे रखा है ना, वो आंसर आ जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन जिसमें प्रूव करना है उसमें गिवन, तो प्रूव से पहले जो होता है वो गिवन में लिखा जाता है, जो प्रूव है प्रूव में लिखा जाएगा, और अगर हम अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन में करते हैं वो कंस्ट्रक्शन में आता है। बट कंस्ट्रक्शन इसमें आई नहीं है, ना अभी तक इन दो क्वेश्चनों में आई है, ना 5, 6 में है। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें BF और FE इक्वल BE डिवाइड में EC प्रूव करना है, और उसके लिए हमें ये लाइनें आपस में पैरेलल भी दे रखी है। जब भी पैरेलल गिवन होगा तो इसका मतलब क्या है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है, जो थेल्स थ्योरम है, जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जो वो कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती है। तो हम इसके अंदर जो ये हमारे पास आकृति 6.19 गिवन है ना फिगर, उसके अकॉर्डिंग क्या है, AB AC ट्रायंगल है, तो इसको एक बार तो ABC समझ के करना है, ठीक है। तब तो आप क्या करेंगे कि इसमें आ जाएगा कि जो AD डिवाइड में DB, ठीक है, और BE डिवाइड में EC आएगा, F का कोई काम नहीं होगा जब पूरी ABC लेंगे। बट जब आप AB ट्रायंगल लेंगे तब F का काम आ जाएगा। इसमें क्या होगा, AD डिवाइड में DB और BF डिवाइड में FC, ठीक है, FE। तो इसमें क्या होगा फिर, इक्वेशन 1, 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये जो है वो हमारा निकल के आ जाएगा और हैंस प्रूफ हो जाएगा। और ये क्यों किया, क्योंकि ये पैरेलल गिवन है, पैरेलल हैं तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम वही लाइन लिखेंगे पीछे ब्रैकेट में कि भाई बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, वी ऑब्टेन, उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको पूरा कर लेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के बाद 5 है। 5 में भी 6.20 जो फिगर है ये आपकी बनी हुई है, इसमें भी ये DEO क्या पैरेलल है और DF और OR पैरेलल है, और शो करना ये तीसरा केस पैरेलल है। तो तीसरा केस पैरेलल मतलब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल कब होगा, जब ये पूरा ये डिवाइड में ये और ये वाला पार डिवाइड में ये इक्वल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल तो हमारा बन जाएगा POQ, ठीक है। इसमें हमें पता ही है कि ED है जो ये वाली लाइन है, जो इस वाली लाइन के क्या है पैरेलल उसने बोल रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये PE डिवाइड में EQ और PD डिवाइड में DO इक्वेशन 1 आ जाएगा, और लिख देंगे आप बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, वी ऑब्टेन। इसी तरह ट्रायंगल POR में भी ऐसे ही रहेगा, PF डिवाइड में FR और PD डिवाइड में DO, फिर इक्वेशन 1, 2 को लेने पे क्या है, PD डिवाइड में DO कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा, ठीक है ना, ये बचेगा PE डिवाइड में EQ और PF डिवाइड में FR, ये इक्वल आने की वजह से क्या होगा फिर EF पैरेलल QR कहलाएगा और वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इसी तरह से है, तो आप ये भी अपना आप कर लेंगे। इसके लिए जो फिगर है नीचे दे रखी है 6.21, ये चलेगी इसके अंदर, ठीक है, ट्रायंगल POQ और POR लेने पर। इस तरह से आप इसको करेंगे, तब मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कॉपी पे करके दिखा रहा हूँ, वो देखिएगा आप ध्यान से। तो यहाँ लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 और कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1, जो कि आपने पहले कर चुके अच्छे से, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बिसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब क्या कह रहा है वो, कि एक ट्रायंगल बनाइए सबसे पहले, ये आपने बना ली, ठीक है, नाम रख सकते हैं आप उसका ABC, डोंट वरी, ठीक है। फिर वो कहता है कि एक पैरेलल लाइन आप एक साइड से खींचेंगे ना, ऐसे यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो तीसरी लाइन के समांतर होते हुए जाएगी, ठीक है। तो आपका इसमें क्वेश्चन ही क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन ही यही है कि भाई ये इसके पैरेलल आपने खींचा है, तो ये जो तीसरी लाइन है ये अलग से दूसरी लाइन है, इसको समान भागों में बांटता है, मतलब ये है टॉपिक, ठीक है, नाम आप पी क्या इसका रख सकते हैं। तो जो आपका गिवन वाला पॉइंट होगा, गिवन वाले पॉइंट में तो कहेंगे आप इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इस ट्रायंगल ABC में आपने क्या किया है कि PQ इज ए लाइन
सेगमेंट, ठीक है, के जो लाइन सेगमेंट है वो आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट पी, क्योंकि इसका मिड पॉइंट पी है ना, वो आपने ड्रॉ कर दिया। और साथ ही साथ क्या है कि जो ए ये और ये है वो पैरेलल भी है, मतलब पी क्या हुआ पैरेलल बी सी, ये कंडीशन उसने हमें पहले से गिवन में दे दी है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट में हम क्या लिखेंगे, प्रूव दैट में हम लिखेंगे कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मतलब क्या इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। बट ये इसका मिड पॉइंट कैसे होगा, जब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, बट ये कैसे होगा वही आपको इस क्वेश्चन में समझ आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रूफ, यहाँ प्रूफ में स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल पूरी नाम है इसका ए बी सी, ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी में आपको क्या करना है, आप यूज करेंगे बेयस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लिख सकते हैं आप, और थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम वी ओबटेन। तो उससे क्या है भाई होने वाला, यहाँ पे आप करेंगे ऐसे ए पी, क्योंकि यहाँ से आएगा ना ए पी डिवाइड में पी बी, और ए क्या डिवाइड में क्या सी, तो ए पी डिवाइड में पी बी और ए क्या डिवाइड में क्या सी, ये यूज क्या आपने बेयस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर दिया है। अब आपको ये भी पता है, क्या पता है भाई, कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये हमें गिवन दिया है, ठीक है, ये हमें गिवन किया है, तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो वन है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ए पी डिवाइड में पी बी यहाँ पे वन रह गया। तो जो इक्वेशन वन इसको बोल दो, आप टू इसको बोल दो, तो जो वन की वैल्यू है वो यहाँ ए पी डिवाइड में पी बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, तो ए क्या डिवाइड में क्या सी के इक्वल भी वन आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन में चेंज, देखो तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड में क्यू सी, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चला गया, तो क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू, मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको बताया था भाई ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये इसके इक्वल आ गया है। अब आप लिखेंगे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हैंस प्रूव, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेवन आपने किया, इसमें क्या था कि भाई ये इसका मिड पॉइंट तो था, बट आपको इसका ये मिड पॉइंट शो करना था इसमें। और जो क्वेश्चन नंबर एट है उसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग है, इसमें क्या है कि इसका मिड पॉइंट पी है और इस ए सी का मिड पॉइंट क्यू है, ये तो हमें गिवन में आ जाएगा, और ये पी क्यू और बी सी पैरलर है ये हमें शो करना होगा। देखो लिख रहा है ना इसमें, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरलर टू द थर्ड साइड, तो इन दोनों के जो मिड पॉइंट्स है वो इस थर्ड लाइन के क्या हैं, पैरलर हैं, ये आपको बताना होता है। तो आप कहेंगे इसमें लिखा कहाँ है कि ये प्रूव करो, तो इस तरह की लाइनें होती है ना डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप के, तो उसमें जो सबसे आखिरी में लिखी होती है लाइन, वही लाइन आपको लगभग लगभग प्रूव करनी होती है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर एट आप खुद कर लेंगे, क्योंकि ए बी इसी तरह की सेम फिगर रहेगी, ए पी डिवाइड पी बी इज इक्वल टू वन बन जाएगा, क्योंकि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी तो है ही, वो डिवाइड मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, जैसे आपने इस वाले केस में किया, यहाँ पे ऐसे ही करना उसमें भी, तो इसमें एक बार किया उसमें दोनों साइड में ऐसे करना, तो समीकरण एक ये बन जाएगी, इसी तरह दूसरी भी वन के इक्वल ही होगी, और इक्वेशन वन एंड टू लेने से वन तो हट जाएगा, और जब इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाने से क्या होगा फिर वो पैरेलल बन जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन और बताएंगे हम आपको, और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन लिखा आपने, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है हमारा, वो कहता है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपिजम, ट्रेपिजम नहीं पता तो पहले तो आप ट्रेपिजम सीख लीजिए। ट्रेपिजम ऐसा होता है जिसकी टू साइड्स तो पैरेलल होती हैं, टू साइड नॉन पैरेलल होती है, मतलब दो साइडें तो समांतर हैं और दो साइडें समांतर एक गाड़ी के आकार से की होती है, ठीक है, नाम रख सकते हैं आप इस तरह से ए बी सी और डी, ठीक है। आगे वो कहता है इज पैरेलल विच, ए बी पैरेलल
वो कह रहा ना ए बी सी डी के पैरेलल है, तो इसी तरह से मैंने नाम भी नोट कर दिए पहले से ही। और वो कहता है कि इट्स डायगनल इंटरसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को काट भी रहे हैं भाई, डायगनल बना दो आप, ये डायगनल काट दी, नाम बीच में कुछ भी रख दो, जैसे ओ रख दिया। फिर उसके बाद वो बोलता है, ओ उसने बोला है सॉरी, फिर कहता है सो सो करने के लिए क्या बोला उसने कि ए ओ डिवाइड में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइड में डी ओ, ये हमें सो करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, गिवन में वो लिखना जो सो से पहले लिखा हुआ है, सो से पहले क्या लिखा हुआ है भाई वो लिख दो, यहाँ से नकल मार के ये लिख रख सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपिज्म, इन विच ए बी पैरलर सी डी या डी सी डी जो भी है, एंड इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट्स इच अदर एट द पॉइंट ओ। ठीक है, ये तो वहाँ तक हो गया। अब सो, सो का मतलब प्रूव करना, जो आपको प्रूव दैट में लिखेंगे आप, ये प्रूव दैट में जो उसमें लिखा है ए ओ डिवाइड में बी ओ सी ओ डिवाइड में डी ओ, ये आपने प्रूव दैट में लिख लिया। अब इसमें हमें अलग से कुछ करना है तो वो आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम जो भी लाइन डॉट डॉट की बनाते हैं वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो हमने एक लाइन खींची है जिसका नाम हम रख रहे हैं ई एफ, ठीक है, ई एफ एक लाइन हमने खींची जो क्या है पैरलर है आपस में, ठीक है, समांतर है मतलब, तो इसको आप कंस्ट्रक्शन में डालेंगे लाइन को, ठीक है। और लिखेंगे किस तरह से लाइन ड्रा ड्रा करी ना, एक आपने लाइन ड्रा ए लाइन जो भी किया वही लिखना होता है, और क्या, ड्रा ए लाइन ई एफ, ठीक है, थ्रो पॉइंट ओ, ठीक है, ओ पॉइंट को कट करती हुई चली गई वो, बस ये हो गया। अब इसके खींचने से क्या होगा, ये इसके पैरेलल बन जाएंगे, तो हमें पैरेलल होने की वजह से ये ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, एक तो ए बी डी ट्रायंगल बन जाएगा और एक ए सी डी ट्रायंगल बन जाएगा। फिर इन ट्रायंगल्स को हम यूज करेंगे थेल्स थ्योरम में, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, लिखेंगे यहाँ प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में आप सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ये वाली ट्रायंगल ली मैंने पहले, तो ठीक है, ए बी डी बाद में लेते हैं, ठीक है। और इस ट्रायंगल के साथ साथ आप यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि जो इसके अंदर है ए डी सी में जो ये है ई ओ है जो, वो सी डी के क्या है पैरलर है, इस वजह से फिर हम पाइथागोरस थेल थ्योरम लगा देंगे, ई ओ पैरलर सी डी या डी सी, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, उसके बेस पे ही आप इसको करेंगे। तो लगाइए पाइथागोरस पर में, सॉरी 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 थेल थ्योरम, तो आप यहाँ पे एक लाइन पहले लिख दीजिए थेल थ्योरम के लिए कि बाय यूजिंग थेल थ्योरम लिख दीजिए, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, वी ऑब्टेन। तो लिखने के बाद फिर आप इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे ए डी सी में, तो ए ई डिवाइड में ई डी, ए ई डिवाइड में ई डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड में ओ सी, ए ओ डिवाइड में ओ सी, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और इसी तरह सेकंड ट्रायंगल लेंगे आप ए, और सेकंड है बी ए बी डी, ठीक है, और इसमें भी यही केस रहेगा, जो पैरलर ही केस वही है बट थोड़ा चेंज करके कि ई ओ पैरलर ए बी, ठीक है, ये पैरलर है तो इस वजह से यहाँ पे आप इस तरह से चलाएंगे कि ए ई डिवाइड में ई डी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड में ओ डी, ठीक है, इक्वेशन टू आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को आप लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ए ओ डिवाइड में ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड में ओ डी, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं जाके आंसर में, आंसर में हमने देखा ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ है भाई, कि बस थोड़ा चेंज है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, तो यहाँ लिखें ए ओ डिवाइड में बी ओ और सी ओ या ओ डी ओ सी जो भी है ओ डी, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, ज़्यादा मुश्किल था, आसान था क्वेश्चन नंबर 9।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तो देखिए कैसे करना है 10 को। क्वेश्चन 10 में भी इस तरह से ही है कुछ। वो कहता है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। इसमें क्या ट्रेपेज़ियम बना के दे रखा था पहले, इसमें ट्रेपेज़ियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल बना रखा है, सच दैट ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ जो भी है ये आपस में इक्वल है। यहाँ प्रूव करना था, ये गिवन में आ गया ये, सो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेज़ियम। तो यहाँ ए ट्रेपेज़ियम शो करने के लिए बोला है और यहाँ ट्रेपेज़ियम दिया गया था ये शो करने के लिए बोला था। तो जो इसमें सिद्ध करना था वो इसमें दिया गया है, जो इसमें दिया गया था उसमें सिद्ध करना है, तो उल्टा केस है, नो प्रॉब्लम। तो जो सो दैट से पहले हो तो सारा गिवन में लिख देना, तो गिवन में नहीं लिख रहा हूँ ठीक है। और सो दैट वाला मतलब प्रूव दैट में आप ए बी सी डी जे ट्रेपेज़ियम लिख देना, ये भी आप कर लोगे। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है कि मैं एक ट्रेपेज़ियम बना लेता हूँ यहाँ छोटा सा, ये मैंने ट्रेपेज़ियम बना लिया, नाम वैसे ही रखेंगे ए बी सी डी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में है, और ये इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स भी हम बना लेते हैं, ओ भी पॉइंट बना लिया है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन एक एक्स्ट्रा रहेगा, ये लाइन ठीक है, ई ओ ठीक है, जो इंटू ई ओ ये कंस्ट्रक्शन में डाल देना पॉइंट। उसके बाद फिर क्या करना है, जो प्रूफ वाली लाइन है वो ही मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट, और तो आपको पता चल चुका है। इसके अंदर क्या लेके चलना है, सबसे पहले जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी और डी क्यों, ये ही क्यों लिया, क्योंकि हमें जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ये इसके पैरेलल है, ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल हम कंस्ट्रक्शन में ले चुके हैं, जिस वजह से ए बी पैरेलल ई ओ होने की वजह से ये कंडीशन ले ली है। और वहाँ यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी ऑब्टेन ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा ए ई डिवाइड में ई डी इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड में ओ डी, इक्वेशन वन आ जाएगी ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, आपको गिवन दे रखी है, यहाँ से ही आप लिख लेंगे ए ओ डिवाइड में बी ओ सी ओ डिवाइड में डी ओ ठीक है। सेकंड इक्वेशन मत बनाओ इसको, क्योंकि जैसा बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा चेंज कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो यहाँ बन जाएगा ए ओ डिवाइड में सी ओ नीचे आ जाएगा और बी ओ ऊपर चला जाएगा, उससे क्या होगा ये इस इक्वेशन से मैच हो गया, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप लिखेंगे इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम वगैरह लिख के ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है, ये बचेगा ए ई डिवाइड में ई डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड में सी ओ। अब ए ओ डिवाइड में सी ओ आ रहा है यहाँ पे, अब आप ये देखो कि ए ई डिवाइड में ई डी और ए ओ डिवाइड में सी ओ, ये ट्रायंगल ए बी सी को शो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी इसको शो कर रहा है, और इसके अंदर किसके बारे में बता रहा है कि ई ओ है ना जो, वो पैरेलल शो हो रहा है डी सी के ठीक है, ये यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब किसी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये इसके लाइन हमने पैरेलल ली थी ठीक है ना, हमने ए बी को पैरेलल ई ओ लिया ठीक है, और ई ओ पैरेलल आ गया डी सी, ये वेरीफाई हमने कर लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी भी पैरेलल हो गया किसके, डी सी के। अब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ट्रेपेज़ियम का मतलब ही क्या था कि टू साइड पैरेलल टू साइड नॉन पैरेलल, तो यहाँ पे टू साइड पैरेलल हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ट्रेपेज़ियम आप लास्ट में ऐसे लिख देंगे कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेज़ियम, तो डैट्स ऑल। इस तरह आंसर प्रूव हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे करना था आपको ये क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है, प्रैक्टिस करें अच्छे से, थैंक यू।